अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। होममेड केक्स एंड बेक्स बाय आलिया में आप सबको खुशामदीद। रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसान चॉकलेट मॉल्टन लावा केक, जो घर में बहुत ही आसानी से आप बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमने ली है डार्क चॉकलेट 170 ग्राम, अनसॉल्टेड बटर हमने लिया है 120 ग्राम, 3 बड़े अंडे लिए हैं हमने रूम टेम्परेचर पर, 15 ग्राम हमने लिया है मैदा, 1 चम्मच वनीला एसेंस। हम इसे बना रहे हैं कपकेक लाइनर में, जिसे मैंने बटर से ग्रीस करके कोको पाउडर डस्ट कर लिया है। अब हम अपने पतीले को प्रीहीट कर लेंगे 15 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर। यहाँ हम डबल बॉयलर मेथड से अपने बटर और चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। हमें लो फ्लेम पर इसे मुसलसल विस्क को चलाते हुए मेल्ट कर लेना है। हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम एक बाउल में लेंगे 3 बड़े अंडे, जिसे हम हैंड विस्क से बीट कर लेंगे। हम इसे तब तक बीट करेंगे जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। और इसके साथ हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस, 2 टेबलस्पून्स पाउडर शुगर, और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चॉकलेट और बटर का मिक्सचर जो रूम टेम्परेचर पर आ चुका था, और इसे बहुत अच्छे तरीके से विस्क की मदद से बीट कर लेंगे। इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बटर और चॉकलेट का मिक्सचर ऐड करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। आप चाहें तो मिल्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। मिल्क चॉकलेट क्योंकि ज़्यादा मीठी होती है तो वो मैंने यूज़ नहीं की। अगर आप मिल्क चॉकलेट लें तो आप शुगर को स्किप कर दीजिएगा। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 15 ग्राम मैदा और इसे मिक्स कर लेंगे। हमें इस स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमारा लावा का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसे अपने कपकेक्स लाइनर में शिफ्ट कर लेंगे। हमने 6 कपकेक्स रेडी कर लिए थे और अब हम इन्हें इसमें भर लेंगे। हमारा पतीला भी ऑलमोस्ट प्रीहीट हो चुका है, तो अब हम इसे एहतियात के साथ अपने पतीले में रख देंगे। हम इसे सिर्फ 8 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर हमने इसे ज़्यादा बेक किया तो हमारा लावा पक जाएगा। हमारा मॉल्टन चॉकलेट लावा केक बिल्कुल रेडी है और अब हम इसे आपको कट करके दिखाएंगे। और ये बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े का बना है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।